जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल के बारे में, जो कि जैसलमेर में बना हुआ है। एंड जस्ट लुक एट इट, हाउ ब्यूटीफुल दिस स्कूल लुक्स लाइक। ये स्कूल उन बच्चियों के लिए जिनके परिवार फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। ये देखने में ओवल शेप का है ताकि ये डेजर्ट में ब्लेंड इन हो सके। ये सैंडस्टोन का बना है और इसके इंटरनल वॉल्स पर लाइम की कोटिंग है ताकि 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ये ठंडा रखा जा सके। इस प्रोजेक्ट के डिजाइनर ने इसको 2014 में शुरू करा था और इसका कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुआ और 19 में ये कंप्लीट हो गया था। अनफॉर्चुनेटली 2020 में कोविड आ गया और 21 में सेकेंड वेव आ गई, तो अभी तक ये स्कूल स्टार्ट नहीं हो सका है बच्चों के लिए। इस स्कूल की सैंडस्टोन वाली वॉल पर लोकल आर्टिसन ने काम करा है। इनमें से बहुत सारे वो आर्टिसन हैं जिनकी बच्चियां इसी स्कूल में अब पढ़ेंगी। लगभग 400 बीपीएल परिवार से आने वाली बच्चियों के लिए स्कूल होगा और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान के अंदर विमेन लिटरेसी का रेट मात्र 36% है। इस स्कूल में किंडरगार्टन से क्लास 10th तक की क्लासेस चलेंगी और 50 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी इस स्कूल में एसी की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा इसका स्ट्रक्चर है और इसकी सारी की सारी एनर्जी भी सोलर पावर्ड है। इस स्कूल को बनाने के पीछे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है CITA, जिसके फाउंडर माइकल डूबा लगभग 10 सालों से इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहते थे, बट फिर उन्होंने फाइनली जाकर डायना केलॉग्स के साथ पार्टनरशिप करी, जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड एक आर्किटेक्चुरल डिजाइनर है। इन्होंने अभी तक अपना सारा काम न्यूयॉर्क में करा था, मगर 2014 में इनको माइकल यहाँ पर एक मिडिल ऑफ नोवेयर आप कह सकते हैं वहाँ पर लेकर आए और कहा कि आप एक ऐसा स्कूल डिज़ाइन करिए जिसको कॉन्सेप्चुलाइज करने में 3-4 साल लगे और फिर 2018 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो पाया। चूंकि एरिया बहुत गर्म है इसलिए डायना ने भी इस बिल्डिंग को जालीदार बनाया है और उसमें भी अलग तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करी है ताकि ये बिल्डिंग अपने आप को कूल रख सके। अगर आप बच्चियों की ड्रेस देखें तो थोड़ी सी आपको अलग दिखेगी अपने साधारण स्कूलों से। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जिनको बॉलीवुड में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और उनकी शादियों के लिए ड्रेस डिजाइन करने देखते हैं, वही सब्यसाची मुखर्जी हैं जिन्होंने इस स्कूल की बच्चियों के लिए ड्रेस को डिजाइन करा है। इस स्कूल की डिजाइन इतनी अच्छी है कि इसे फॉरेन में आर्किटेक्चरल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और कई जगह इन्हें ऑनरेबल मेंशन भी मिला है। इस स्कूल के तमाम सारे इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। एक स्कूल भी इतना सुंदर दिख सकता है, एक स्कूल भी अपने आप में इतनी सारे लोगों का ध्यान खींच सकता है, वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर फीमेल लिटरेसी इतनी कम है। इस स्कूल के बारे में मुझे लगता है ज्यादा बात होनी चाहिए। अगर आपने इस स्कूल के बारे में अभी तक नहीं सुना है तो देयर इज अ गुड चांस कि आपके दोस्तों ने भी ना सुना हो, तो आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए, उन तक शेयर कीजिए, क्योंकि राजस्थान के बारे में समस्याएं तो बहुत लोग बात करते हैं बट जब कुछ इतना अच्छा हो रहा है तो वो भी आगे पहुंचना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को आगे पहुंचाएंगे और आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार